नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम शर्मा। आपको बता रहे कि मिर्ज़ापुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छात्रों ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से स्कॉलरशिप और अन्य समस्याओं पर बात की। इस दौरान एक व्यक्ति राजनीतिक सवाल करने लगा। वीडियो में मंत्री उस युवक पर नाराजगी जाहिर करते रहे। उस वक्त वह मोबाइल से पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करता नजर भी आया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पर कैबिनेट मंत्री न केवल नाराज़ हो रहे हैं बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि GD बिनानी कॉलेज में कुछ छात्र विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मिलने गए थे। छात्रों ने मंत्री से स्कॉलरशिप और अन्य समस्याओं को लेकर बात की। इस दौरान एक व्यक्ति राजनीतिक सवाल करने लगा। वीडियो में मंत्री उस युवक पर नाराजगी जाहिर करते रहे। उक्त युवक मोबाइल से पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करता नजर आ रहा था। वह उस युवक को छात्रों से बातचीत के दौरान खलल देने से रोक रहे थे, फिर भी सवाल जवाब और इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर अचानक मंत्री उस युवक के पास जाते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो बता दें, आपको इससे पहले भी देखने को मिला है कि कई ऐसे मंत्रियों के वीडियोज़ वायरल हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अब छात्रों से बात हो रही है, स्कॉलरशिप को बात लेकर हो रही है, अब उसी बीच कोई राजनीतिक सवाल पूछ दे, इसको लेकर मंत्री ने रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वो छात्र रुका ही नहीं जो राजनीतिक सवाल पूछ रहा था और पूरा मामला रिकॉर्ड करने लगा था। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल भी जाती हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है जिसमें मंत्री से सवाल पूछने पर आपको बताने की युवक का द्वारा मोबाइल छीनने की बात यहाँ पर सामने आई है। बताना आपको कि मिर्ज़ापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हैं, स्कॉलरशिप और अन्य समस्याओं पर वो बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति राजनीतिक सवाल करने लगा। वीडियो में मंत्री उस युवक पर नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आए।